तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम मनोज है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक बहन है, उसका नाम ज्योति है। गांव में हम लोग बकरी पालन का काम करते हैं। ये बात जब की है जब मैं 23 साल का था। मेरा दोस्त नीरज और सुमित वो भी बकरी पालन करते थे। कई बार हम तीनों बकरियों को चुंगाते हुए गांव से काफ़ी दूर निकल जाते थे। मेरा दोस्त नीरज हमेशा कहता था, इस तरफ मत जाने दे करो अपनी बकरी, मैंने सुना है यहाँ कोई खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। मैं और सुमित नीरज की इस बात पर बहुत हंसते थे। कई बार हम दोनों ने नीरज के साथ मजाक भी बहुत करा कि हम नहीं मानते किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को, पता नहीं तुझे ऐसी बातें कौन बताता है। नीरज हमारी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला। एक बार की बात है, हम तीनों फिर से उसी जगह पहुँच गए जहाँ नीरज भूत प्रेत होने की बात कर रहा था। ना जाने आज वो जगह वाकई कुछ खौफनाक सी लग रही थी। अचानक मौसम खराब हो गया, चारों तरफ आंधी चलने लगी। हम तीनों अपनी बकरियां नहीं ही संभाल पाए। हम तीनों तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पत्थर के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया, पर जब हम तीनों ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो हम लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हम तीनों के पास सब मिलाकर 150 बकरी थी, पर हमें अब एक भी नहीं दिख रही थी। हम तीनों को बस उन बकरियों की मैं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंधेरा इतना बढ़ गया था हम तीनों को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी नीरज बोला, एक काम करते हैं, यहाँ सबसे पहले आग जलाते हैं जिससे कुछ रोशनी भी हो जाएगी और कोई जंगली जानवर भी नहीं आएगा। तभी हम तीनों अंधेरे में लकड़ी ढूंढने लगे, पर घास फूस के अलावा हमें कुछ ना मिला। सुमित सारी घास इकट्ठा करके जलाने लगा। तभी हम तीनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। हम तीनों आसपास देखने लगे, पर ज़्यादा रोशनी ना होने के कारण हमें कुछ ना दिखा। तभी नीरज बोला, तू आग जला सुमित, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुमित ने कहा, जला तो रहा हूँ। सुमित ने इतना ही कहा था तभी हमें कुछ आवाज़ सी आने लगी, जैसे कई औरतें बातें करती हुई हमारी तरफ आ रही हों। धीरे धीरे उन औरतों की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। तभी हमारी कुछ बकरियां भागती हुई हमारे पास आ गई। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक जानवर को देखकर डर रही हैं। तभी नीरज बोला, दोस्तों गौर किया तुमने कुछ ही देर पहले हमें कुछ औरतों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तभी मैं बोला, चलो यार थोड़ा देख लेते हैं इधर उधर, कभी कोई परेशानी में हो। तभी नीरज बोला, भाई मनोज मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, तू सुमित को लेकर चला जा। मैं बोला, ठीक है, मैं और सुमित जाकर देखते हैं, तू यहाँ बकरियों का ध्यान रख। नीरज ने कहा, ठीक है। तभी मैं और सुमित चल पड़े। चारों तरफ बस जंगली जानवरों की आवाज़ उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। हम दोनों चलते चलते काफ़ी दूर आ गए, लेकिन हम दोनों को अभी तक कोई नहीं मिला। तभी हमें हमारे आगे से कोई आता दिखा। हम दोनों की नज़रें उसी को घूर रही थी। जैसे ही वो हमारे करीब आया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमारे सामने नीरज था जिसे हम पीछे छोड़कर आए थे। वो हमसे पहले हमारे आगे से कैसे आ सकता है। तभी सुमित बोला, नीरज तू यहाँ कैसे आया, तू तो इस तरफ नहीं आना चाहता था, फिर कैसे आया हमसे पहले। तभी नीरज बोला, बकरियाँ वहाँ से भाग गई थी, मैं उनका पीछा करते हुए इस तरफ आ गया। चलो मैंने सारी बकरियाँ ढूंढ ली हैं, वो सभी एक साथ हैं। तभी मैं बोला, ठीक है नीरज चल चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। तभी नीरज हमारे आगे चलने लगा और मैं और सुमित उसके पीछे पीछे।
तभी सुमित मुझसे बोला, यार मनोज, मुझे नीरज में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जैसे किसी मरे हुए जानवर की आती है। तभी मैं बोला, आ तो मुझे भी रही है, मैं तो ये सोच रहा था कि इस वीरान जंगल में ही कोई जानवर मरा हुआ होगा। मैंने इतना ही कहा था कि मेरी नज़र नीरज के पैरों पर गई तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। मेरी हालत देख सुमित समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझसे बोला, क्या हुआ मनोज, क्यों इतना डर रहा है, बता मुझे। मैं कांपते हुए बोला, सुमित इसके पैर देख। सुमित ने जब पैरों को देखा तो डर के मारे उसका कलेजा हलक में आ गया। हम दोनों भागने लगे। तभी हमें किसी औरत की खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। डर के मारे हम दोनों आंखें बंद कर बस भाग रहे थे। भगवान की कृपा हम दोनों पर ठीक रही कि हम दोनों के हाथ नहीं छूटे। तभी हमें किसी ने आवाज़ मारी, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या। तभी हमने आंखें खोली, हमारे सामने हमारा दोस्त नीरज आग जलाए बैठा था। हम दोनों ने उसे भागने को बोला और हम तीनों अपने गांव में पहुंचकर ही रुके। हमारी ऐसी हालत देख गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तब मैंने और सुमित ने अपने साथ हुई सारी खौफनाक घटना उन्हें बताई। हमारी बात सुनकर सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। डर के मारे उस रात हम तीनों को नींद ना आई। सुबह जब हम अपनी बकरियां ढूंढने निकले तो हमें सिर्फ बकरियों की लाश मिली। उस दिन के बाद से हमने उस तरफ जाना छोड़ दिया। सभी गांव वालों ने मिलकर खूब पूजा पाठ कराया उस जगह। अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।